नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हमने कल कर लिया था कक्षा सातवें का पाठ एक, राजस्थान अध्ययन का। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ दो, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इस पाठ में हम जानेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुखतः खनिज पाए जाते हैं, किन किन के अंदर राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार यानी कि 70% से या 80% से ज़्यादा केवल वो राजस्थान में मिल रहे हैं। किस प्रकार की ऊर्जा साधन है, ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है कितने प्रकार के, उन प्रकारों के उदाहरण, तो हम इनके बारे में जानेंगे इस पार्ट के अंदर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पटवार, वीडियो और LDC हो रहा है, चाहे CET जो होगा ग्रेजुएशन लेवल वाला या 12th लेवल वाला। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है जियोग्राफी के। तो हम इस चैप्टर को इस सातवीं की किताब से पूरा करेंगे, क्योंकि आजकल जो अधीनस्थ बोर्ड हो या जो RPSC है, वो इन किताबों के पीछे ही उनके फेवरेट बुक है, वो इनमें से क्वेश्चन देती है मोस्टली। तो हम पढ़ते हैं, एक भी लाइन मिस नहीं करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएँ खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। पहला है खनिज। खनिज होता क्या है? खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है। ऑप्शन में आ सकता है कि यह निश्चित रासायनिक संगठन है, निश्चित भौतिक संगठन है, यह क्या चीज़ है। तो एक निश्चित रासायनिक संगठन है और भौतिक पदार्थ है, खानों से खोद कर निकाला जाता है। अब इसके उदाहरण हमें बहुत पता है, लोहा, प्राकृतिक गैस, कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, हीरे, सब कुछ जो है वो खनिज में ही आते हैं। इसमें उदाहरण दिए हुए हैं सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल इत्यादि। आगे हमें खनिजों के प्रकार दिए गए हैं। तो पहला प्रकार है धात्विक खनिज। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो के अंदर कि जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन से मिलते हैं, अधात्विक खनिज मिलते हैं, अधात्विक खनिज। और जो अरावली वाला एरिया है, अरावली प्रदेश जो है, उसमें मिलते हैं हमें धात्विक खनिज। कौन से? धात्विक खनिज। तो यहाँ पे पहली बात आ रही है धात्विक खनिज की, तो ये कहाँ मिल रहे हैं? अरावली वाले क्षेत्र में मिल रहे हैं। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, नाम से हमें पता लग रहा है। फिर है, इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, कि इनको गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हमें चांदी मिल रहा है, तो चांदी हम उसे गलाकर अलग अलग आभूषण, चांदी की तारें भी होती है कई, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा सुचालक चाहिए हमें बिजली के लिए, तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है बिजली के लिए। अब सोना देखते हैं, तो सोना भी अलग अलग तरीके से गलाकर प्रयोग किया जाता है। और लोहा होता है, लोहे को भी अलग अलग तरीके से गलाकर प्रयोग किया जाता है। लोहे की कितनी चीज़ें हैं घर पे, तो यही बात कि गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। देख सकते हैं कि लोहा, चांदी, सोना, ये कठोर भी है और इनमें चमक है। हाँ, कुछ इनके एक्सेप्शन हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, पर मुख्यतः जो है वो कठोर होते हैं और चमक होती है। दूसरा, अधात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान में? जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इनमें चेंजेस नहीं हो सकते अधात्विक खनिज के अंदर। फिर है ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। एकदम सिंपल बात है कि वो ऊर्जा खनिज होगी जिनसे ऊर्जा मिलेगी, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ठीक है, अब है खनिजों के प्रकार है और उनके उदाहरण दिए हुए हैं। अब जैसे धात्विक खनिज हमने पढ़ा कहाँ मिल रहे हैं, अरावली क्षेत्र में उदाहरण है इसके, लोह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक खनिज हमें कहाँ मिल रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में, कौन से उदाहरण हो गए, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज जो है उसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, या फिर जो हो गया हम देख सकते हैं कि सौर ऊर्जा हो गया या ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सभी भी इसमें ही आ गए। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से धात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन देंगे लोह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, और एक ऑप्शन दे देंगे यहाँ से रॉक फॉस्फेट। तो उत्तर क्या होगा, रॉक फॉस्फेट नहीं है धात्विक, रॉक फॉस्फेट क्या है, अधात्विक। तो ये टेबल पूरी अच्छे से कंटेस्ट होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, राजस्थान का वो लेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। किस किस में? वो लेस्टोनाइट, जस्पर और सीसा, जस्ता में। वो लेस्टोनाइट के लिए सिरोही का वालदा क्षेत्र है वो फेमस है। वो लेस्टोनाइट और जो जस्पर है वो 100% राजस्थान में मिलता है।
सीसा जस्ता वगैरह ये सब हो गया, तो ये 97 से 98% मिलते हैं, 100% राजस्थान में नहीं मिलता। लेकिन ये जो वोलेस्टोनेट और जास्पर है वो 100% राजस्थान में मिलता है। और हम आगे देखते हैं, संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। ये सब चीज़ें जो है ये 70 से 80% राजस्थान में मिल रही है। पन्ना में भी राजस्थान का एकाधिकार है। किस में? पन्ना में। फिर है खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वत माला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कि खनिजों की उपलब्धता और उनके उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। आगे दिया गया है, देश में अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। देश में अधिकांशतः जो सीसा जस्ता है वो कहाँ मिल रहा है? राजस्थान में मिल रहा है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी और कैडमियम मिलता है। उप उत्पाद क्या है सीसा जस्ता के? चांदी है और कैडमियम है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र एवं चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। पूछा जाए जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है? तो देबारी उदयपुर में। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ है? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और जो सीसा जस्ता की जो अयस्क है, इंग्लिश में बोले तो जो ओर है वो है गैलेना। सीसा जस्ता की अयस्क क्या है? गैलेना है। और जो चांदी की एक खान है जावर, जावर खान भी बहुत फेमस है चांदी के लिए, उदयपुर में है। राणा लाखा के समय ये मिली थी हमें। और आगे हम देखते हैं कि सीसा जस्ता के लिए फेमस जगह कौन कौन सी होगी, कि जैसे रामपुर आगुचा जो भीलवाड़ा में है, राजपुर दरीबा राजसमंद के अंदर हो गई। एक और बात बता दूँ कि जो राजस्थान है वो देश में सर्वाधिक खानों के मामले में फर्स्ट है। अगर खान पूछा जाए कि सर्वाधिक खाने कहाँ पर है, तो खानों के मामले में राजस्थान फर्स्ट है। अगर खनन पूछा जाए कि खनन के अंदर कौन से रैंक पर है, तो सेकंड रैंक पर है। जो फर्स्ट है ना खनन के मामले में वो कौन है? झारखंड है। खनन के मामले में फर्स्ट है झारखंड, सेकंड राजस्थान। और अगर गुणवत्ता पूछा जाए कि गुणवत्ता के आधार पर ये जो हमें खनिज प्राप्त हो रहे हैं इनमें गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान का रैंक कौन सा है, तो वो 5वें रैंक पर है राजस्थान। और अभी अभी गंगानगर जो ऊपर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी वाला एरिया हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, यहाँ पर जो है वो पोटास के भंडार मिले हैं। अब देखते हैं कि उनकी कब होती है खुदाई वगैरह या वहाँ पे कब खनन होता है, क्योंकि राजस्थान में जो है वो जो प्रमुख साधन चाहिए होते, संसाधन चाहिए होते हैं इन चीज़ों के लिए, वो कम है। आगे देखते हैं उनके जिले और उपयोग बताए गए हैं। खनिज का नाम है, पहला दिया हुआ है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता उदयपुर, जावर मैंने आपको बताया, भीलवाड़ा में मैंने बताया, रामपुर आगुचा और राजसमंद में राजपुर दरीबा, ये याद होने चाहिए ना। पेपर में सीधा देते हैं सीसा जस्ता के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, ऑप्शन में एक तांबे का लिख देंगे, एक अयस्क का, एक चांदी का और एक सीसा जस्ते का, तो हमें याद होने चाहिए। किसके लिए प्रयोग होता है सीसा जस्ता? अम्ल बैटरी के लिए, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग उद्योग के लिए यूज़ हो रहा है सीसा जस्ता। दूसरा है क्या है? दूसरा तांबा और तांबा है। तांबा में हम देखते हैं कि झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सीकर कौन कौन से फेमस है। झुंझुनू का खेतड़ी है, हम पढ़ते हैं गणेश्वर जो सभ्यता है वो भी झुंझुनू के अंदर ही है, तांबे के लिए प्रसिद्ध थी वो भी। और सीकर का हम देखते हैं कि नीम का थन है, वो भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यूज़ हो रहा है इसका विद्युत तार उपकरण और बर्तन में। हम देखते हैं कि जो हमारे घर पे तारे होते हैं ना, बिजली के तारे, उनमें तांबे का ही प्रयोग होता है। अगला है लोयस्क, जयपुर, सीकर और झुंझुनू। हमें एक जयपुर का बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है मोरिजा बानोला, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र है? मोरिजा बानोला। लोहे के, लोहे अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। इसका उपयोग किस लिए हो रहा है? लोहे अयस्क का मशीनरी, रेलवे पटरी और भवन निर्माण में। ये हमें नॉर्मल बातें जो पता है। फिर अगली है चांदी, उदयपुर और राजसमंद में चांदी का हमने पढ़ा। कौन कौन सी जगह है चांदी के लिए? जावर होगी और राजसमंद भी है इसके लिए फेमस। यूज़ हो रहा है इसका आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुओं के लिए। अगला है जिप्सम, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में जिप्सम है वो मिल रहा है अधिकतर। बीकानेर का एक क्षेत्र है जामसर, जामसर है वो फेमस है जिप्सम के लिए, बीकानेर में है। जिप्सम का प्रयोग हो रहा है रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह क्या आ जाएगा? पीओपी। तो पीओपी बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? जिप्सम के लिए प्रयोग होता है। अगला दिया हुआ है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्टली यही आता है कि उदयपुर का एक क्षेत्र है झामरकोटड़ा, झामरकोटड़ा उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अन्य जो इसके जिले दिए हैं वो है जैसलमेर, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसका भी प्रयोग जो हो रहा है वो रासायनिक उर्वरक के रूप में हो रहा है। अगला है अभ्रक, अभ्रक प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर का। और जो दाता भुनास जगह है एक भीलवाड़ा के अंदर, वो अभ्रक के लिए काफ़ी फेमस है। भीलवाड़ा को ही वस्त्र नगरी कहते हैं, अभ्रक नगरी कहते हैं, और अभ्रक की ईंट के लिए भी भीलवाड़ा ही प्रसिद्ध है।
अभ्रक का प्रयोग हो रहा है विद्युत उद्योग के लिए, सजावट के लिए और दर्पण में। फिर अगला है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट का मैंने आपको एक क्षेत्र बताया, वालदा। वालदा कहाँ है? सिरोही का क्षेत्र है। दूसरा जिला है अजमेर। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वोलेस्टोनाइट। आगे है संगमरमर। संगमरमर जिले हैं इसके लिए राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा, ये सब क्षेत्र हैं इसके लिए संगमरमर के लिए। संगमरमर की हमने मंडी पड़ी थी किशनगढ़ अजमेर के अंदर। एक यहाँ पे अजमेर भी है प्रमुख। वैसे प्रमुख इसके लिए मंडी जो है वो है कहाँ पर? किशनगढ़ अजमेर में। और जो काफ़ी फेमस जो हमें मिलता है वो मिलता है नागौर के मकराना के अंदर। प्रयोग किस लिए हो रहा है संगमरमर का? भवन निर्माण के लिए, मूर्ति निर्माण या कलाकृतियों में। अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है सीमेंट बनाने में प्रयोग होता है और निर्माण कार्य में। हम देखते हैं कि क्या देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में जो है वो चूना पत्थर मिल रहा है। कहाँ कहाँ पर? चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर। चूना पत्थर जो ज़्यादा है वो चित्तौड़गढ़ में मिलता है, इसलिए जो चित्तौड़गढ़ है वो सीमेंट बनाने के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है। आगे हम पढ़ते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालौर को। जालौर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। इसके लिए और प्रमुख जिले हैं जैसलमेर, पाली और सिरोही। भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण के लिए इसका प्रयोग होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जिसमें राजस्थान के जितने भी सारे दिए हुए हैं ये खनिज, उन सभी को मैप में दर्शाया गया है। ये मैप आप अच्छे से कर लें, वैसे भी पढ़ा दिया है। अब ऊर्जा संसाधन के बारे में जानते हैं। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक है परंपरागत और एक है गैर परंपरागत। जो अगर हम देखते हैं कि परंपरागत है वो अधिकतर क्या है? अनवीकरणीय है। अधिकतर अनवीकरणीय है। और जो गैर परंपरागत है वो अधिकतर नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब जिनको वापस से जनरेट किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया या ज्वारीय ऊर्जा हो गया या पवन ऊर्जा हो गया, तो ये नवीकरणीय है, इन्हें दोबारा बना सकते हैं। अनवीकरणीय कौन कौन से हो गए ऊर्जा संसाधन? जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर क्या हो गया पेट्रोलियम, ये सभी किस में आ गए? अनवीकरणीय में। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में, परंपरागत संसाधन के उदाहरण याद करने हैं कौन से? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। किसके उदाहरण है? परंपरागत के। ये अनवीकरणीय भी हैं। फिर एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत के कौन से संसाधन? परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास और ये कौन सी आ गई? ज्वारीय ऊर्जा। ये भी गैर परंपरागत में आ गए। कौन से? पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। फिर है ऊर्जा के परंपरागत साधन। ऊर्जा के परंपरागत साधन पढ़ते हैं हम। कोयला है पहला। कोयला चार प्रकार का है। कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ABLP, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे बढ़िया है एंथ्रेसाइट। ए पहला नंबर पे आता है ना, ए, तो जो सबसे बढ़िया है वो है एंथ्रेसाइट। और जो सबसे घटिया है, जो सबसे पिटा हुआ है कोयला, वो कौन सा है? पीट है। सेकेंड नंबर पे है बिटुमिनस और थर्ड नंबर पे है लिग्नाइट। जो राजस्थान में मिलता है वो मुख्यतः कौन सा मिलता है? लिग्नाइट मिलता है। और भारत में मुख्यतः मिलता है बिटुमिनस। इनकी ये किस प्रकार से इनको बांटा गया कि सबसे अच्छा, किस उत्तम है कि बुरा है, किस आधार पर है? कि कार्बन की मात्रा कितनी है। कार्बन जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा कोयला होगा। तो एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक है और पीट में न्यूनतम है। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और भारत में बिटुमिनस। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर जो कि बीकानेर में है, कपूरडी और एक जालीपा है बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। कोयला कहाँ कहाँ मिल रहा है? बीकानेर के पलाना, बरसिंगसर, बाड़मेर के कपूरडी जालीपा में, मेड़ता नागौर, मेड़ता रोड है नागौर में और जैसलमेर में मिल रहा है। पूछा जाए कि राजस्थान में शुद्ध रूप से कोयला कहाँ पर मिलता है, तो पलाना बीकानेर के अंदर मिलता है। आगे दिया गया है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। कहाँ पर? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? सूरतगढ़ में है। इसके अंदर अभी जो है 7 यूनिट है, जो कि 7 दिसंबर 2020 को जो है 7वीं यूनिट का लोकार्पण किया था अशोक गहलोत जी ने। श्रीगंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। कोटा में, कालीसिंध, झालावाड़ में, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। प्रश्न आ जाए निम्नांकित में से कौन सा कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? कौन कौन सा है? कोटा, कालीसिंध, झालावाड़ का और छबड़ा, बारा का। क्वेश्चन आ जाए लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो बाड़मेर का गिरल क्षेत्र है वो है क्या? लिग्नाइट का ताप आधारित विद्युत संयंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस।
जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर संचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। कौन कौन से तीन बेसिन हैं? जैसलमेर, बाड़मेर संचौर, बीकानेर नागौर। गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी डिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, ये सभी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। ये प्रसिद्ध है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। कौन कौन से? गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़ और राजेश्वरी। और ये यहाँ पे आगे है, आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार है। साध्यवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। खनिज तेल के लिए कौन से प्रसिद्ध है? साध्यवाला, बाघेवाला, ऐश्वर्या मंगला। साध्यवाला जैसलमेर, बाघेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर। और प्राकृतिक गैस के लिए गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला, जो जैसलमेर में है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह हैं। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ पे है? रामगढ़, जैसलमेर, अंता, बारा और धौलपुर के अंदर। और ऊपर हमने क्या पढ़ा है कि ताप आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? कोटा, काली सिंध और छपड़ा में। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहें? केरल के बाड़मेर में, बाड़मेर के केरल में। यहाँ पर मैं क्या दिखाई गई है? बाड़मेर रिफाइनरी दिखाई गई है। बाड़मेर रिफाइनरी, इसके बारे में बता दूँ कि एक है एच पी सी एल जिसका 74% है, और साथ में इसके कौन है? राजस्थान सरकार है जिसका 26% है। आगे है जल विद्युत। जल विद्युत इंग्लिश में कहे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर है, ऊपर जल तेजी से आ रहा है, नीचे टर्बाइन होते हैं, वो घूमता है और बिजली जनरेट होती है। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है राजस्थान में। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न किए जाते हैं। चंबल नदी घाटी के अंदर में 4 बांध है, जिनमें से 3 राजस्थान में है, यही कैंपी में है। तो उनमें से गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत बनाई जाती है। चंबल नदी घाटी है किस किस में? MP और राजस्थान के बीच में है। 50-50% है जो टोटल ऊर्जा बनती है, वो बनती है 386 मेगावाट। दोनों का इसका 50-50% दोनों ऊर्जा लेते हैं। कितना कितना? 198 और 198 मेगावाट दोनों राज्य लेते हैं। फिर है बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर से भी जल विद्युत की प्राप्ति होती है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में है माही बजाज सागर परियोजना। किस किस के मध्य में है? राजस्थान के और गुजरात के। प्रतिशत कितना कितना है? गुजरात का है 55%, राजस्थान का 45%। लेकिन ऊर्जा का जो एकाधिकार है जल विद्युत ऊर्जा का, एक मतलब 100% कौन यूज़ करता है? राजस्थान यूज़ करता है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे कि भाखड़ा नागल और व्यास परियोजना, इनमें भी राजस्थान को प्राप्त हो रहा है। आगे ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, अब तक हमने परंपरागत पढ़े थे। पहला है परमाणु ऊर्जा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश के दूसरे परमाणु विद्युत संयंत्र है। देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है कौन सा है? रावत भाटा चित्तौड़ में। और अगर पहला पूछा जाए तो पहला है तारागढ़। तारागढ़ है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। पहला है तारागढ़ महाराष्ट्र में, दूसरा है रावत भाटा देश का दूसरा, राजस्थान का पहला है जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। परमाणु ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले इसके बारे में विश्व में जानकारी कब होती है? जब हम देखते हैं कि 6 और 9 अगस्त 1945 को क्या करता है? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब विश्व युद्ध चल रहा होता है, अमेरिका बमबारी करता है, और तब हमें इसके बारे में पता लगता है। ये इसमें विश्व में प्रख्यात होता है। और जो रावत भाटा है, यहाँ पे जल प्राप्ति किसकी होती है? जलापूर्ति कौन करता है? चूलिया जलप्रपात करता है। और जो नदी पूछा जाए तो चंबल नदी यहाँ पे जलापूर्ति करवाती है। पवन ऊर्जा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान जो है वो एकदम देखा जाए तो मरुस्थलीय है पूर्णतः लगभग, और यहाँ पे जो है हवाएं काफ़ी चलती है, तो पवन ऊर्जा का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिले में पवन आधारित विद्युत गृह है। कहाँ कहाँ पर? जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर क्या है? पवन आधारित विद्युत गृह हैं। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान में पंखों की नगरी किसे कह रहे हैं, तो जैसलमेर को क्या कह रहे हैं? राजस्थान में पंखों की नगरी। ये देखो, ये परमाणुओं के अंदर दिखाया गया है, और ये पवन चक्की दिखाई गई है, विंड मिल है। फिर बायोगैस, राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। हमने ऊपर पढ़ा ना पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के अंदर क्या किया है? 2024-25 तक
राजस्थान सरकार ने लक्ष्य बनाया है 4000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के लिए, परमाणु ऊर्जा से विद्युत क्रिएट करने के लिए 2024-25 तक राजस्थान सरकार ने 4000 मेगावाट का लक्ष्य बनाया है। अगला है सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म देश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कूलर, वाटर हीटर्स आदि के रूप में किया जाता है। सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत और ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाडला जोधपुर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पर? भाडला जोधपुर में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, भाडला जोधपुर में की गई है। और अगर जोधपुर के अंदर ही एक जगह है बालेसर, वहाँ पर राजस्थान का पहला सोलर फ्रिज चलाया गया है। सोलर फ्रिज यानी कि फ्रिज है वो सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। तो पहला सौर फ्रिज कहाँ पर है? बालेसर बाड़मेर के बालेसर जैसलमेर में है। अगले हम पढ़ते हैं, अब जैसे बायोगैस संयंत्र दिखाया गया है, ये सोलर पैनल है, मुख्यतः आजकल देखा जा सकता है हमसे आसानी से। हमारे पास खनिज संसाधन है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं, हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए, ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। एक मैंने आपको कक्षा 6 पढ़ाते वक्त एक बात बताई थी, क्या बताया था? SEZ सीज के बारे में, ये हमने ऊपर सौर ऊर्जा पढ़ा, इसी रिलेटेड है सीज, सोलर एंटरप्राइजेस इकोनॉमिक जोन। तो ये कहाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर है सीज। क्वेश्चन आता है सीज कहाँ कहाँ पर है, तो इन 3 जगहों पर है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, अयस्क है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिसे धातु प्राप्त की जा सकती है। अयस्क के अंदर सब कुछ मिक्स होता है, हम उसे प्योर फॉर्म में लाते हैं, जब हम अयस्क से उसे प्योर फॉर्म में लाते हैं तब अयस्क नहीं रहता। फिर है धातु खनिज समूह के पहचान कीजिए, इनमें से धातु खनिज कौन कौन सा है? सीसा, तांबा, लोहा। दूसरा ऑप्शन है सीसा, संगमरमर, जिप्सम। तीसरा है तांबा, मैंगनीज और चूना पत्थर। चौथा है ग्रेनाइट, तांबा और अभ्रक। इसमें देखा जाए तो केवल जो तांबा है वो है धात्विक, इसमें देखा जाए तो सीसा है धात्विक, संगमरमर अधात्विक है, इसमें तांबा धात्विक और चूना पत्थर अधात्विक। इसमें देखा जाए तो सीसा, तांबा और लोहा तीनों धात्विक है, तो उत्तर क्या होगा इसका? ए होगा। धात्विक कहाँ मिल रहा है? अरावली क्षेत्र में ज़्यादातर मिल रहा है, और अधात्विक हमें मिल रहा है पश्चिमी राजस्थान में। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर है? चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और मैंने जस्ता शोधक संयंत्र बताया था कि कहाँ है, तो कमेंट में लिखकर बताइए जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर है। प्रकाश का कोयला श्रेष्ठ होता है, ब्लैंक प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है, तो कोयले के हमने 4 प्रकार पढ़े थे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे बढ़िया है एंथ्रेसाइट, सबसे पिटा हुआ है पीट। ऊर्जा संसाधन के परंपरागत संसाधन लिखिए ऊर्जा के, तो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। गैर परंपरागत साधनों को भी लिखिए, 2 धात्विक खनिज के नाम बताते हैं, उनके संबंध में जिले लिखिए, और आपके जिले में कौन सा खनिज मिल रहा है वो भी कमेंट में लिखिए। खनिज किसे कहते हैं? हमने पढ़ा कि जिनका एक निश्चित रासायनिक होता है और एक ये भौतिक पदार्थ है। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी की, सौर ऊर्जा के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है, या फिर कहाँ कहाँ पर सौर ऊर्जा है? बड़ाना जोधपुर के अंदर सबसे बड़ा है, पहला सौर फ्रिज कहाँ पे हो गया? बालेसर में हो गया। सीज है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा होता है आज का दूसरा पाठ पूरा। कल हम करेंगे 7वीं के राजस्थान अध्ययन का तीसरा पाठ, कृषि एवं सिंचाई। जानेंगे थोड़ा बहुत फसलों के बारे में, कौन सी फसलें हैं, किस प्रकार के अंदर राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था से हम सर्वाधिक सिंचाई करते हैं, किससे न्यूनतम करते हैं, कहाँ करते हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने व्यूज़, आप कौन सा अगला टॉपिक चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। जय हिंद, जय भारत।